नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो है वर्ष 2021 में होने वाला आपका आर्थिक भविष्य फल। ये महत्वपूर्ण किस लिए, उसका सीधा सा कारण ये है कि 2020 तो ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। जनवरी से ही जो है 2020 जो है कोरोना की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। चीन, पाकिस्तान, राजनीतिक तौर पे हर तरीके से ही गृह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जीडीपी देश में 2020-21 में 10% तक नीचे गिरने के योग बने पड़े हैं। कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, इंडस्ट्री का हो, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, होटल, कोई भी हो, कंज्यूमर गुड्स हो, सारा ही ठप है। किसान और जवान दो लोग ना होते तो देश को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। हर लगन के लिए हम आर्थिक भविष्य फल की बात कर रहे हैं, मेष से लेकर मीन तक। अब मैं आप धनु लगन के ऊपर क्या असर होने जा रहा है 2021 का आर्थिक भविष्य फल जो है वो बात करने जा रहा हूँ। क्या आपका धनु लगन है, इसको देखने समझने के लिए अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना सभी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र सामने आएगा। यदि बीच में 9 नंबर धनु अथवा सेजिटेरियस लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। यदि आपकी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है परंतु इनमें से नाम का कोई अक्षर है तो भी समझिए आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर, ये पढ़ देते हैं। ये यो भा भी भू धा फा ढा भे, ये नाम के अक्षर हैं तो आपके बारे में बात हो रही है। इस वर्ष में धनु लगन का स्वामी जो बृहस्पति है वो 1 जनवरी से लेके 8 अप्रैल और 15 सितंबर से लेके 20 नवंबर में नीच रहेगा, परंतु ये नीच होकर भी बहुत अधिक विपरीत प्रभाव नहीं देगा। दूसरी मुख्य बात और है कि लाभेश जो शुक्र है वो 8 फरवरी से लेके 18 अप्रैल तक अस्त रहेगा। गुरु लग्नेश 17 जनवरी से 14 फरवरी और लाभेश शुक्र 8 फरवरी से लेके और 18 अप्रैल तक अस्त रहेगा। तो मोटा मोटी तौर पे देखें तो 17 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक ये दोनों ग्रह अस्त होने से देश में सनातन धर्म से जुड़े सभी संस्कार जो हैं वर्जित हो जाते हैं। मंदिर बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद हो जाती है, व्यापार, नया व्यापार आरंभ करना, घर निर्माण, गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन, कपड़े का व्यापार हो, एंटरटेनमेंट क्षेत्र हो, बैंड बाजा, हलवाई, सभी कुछ बंद हो जाता है। विवाह, सगाई, मुंडन, सभी पर्व जो है वो बंद हो जाते हैं। सो सारी कंज्यूमर मार्केट अफेक्टेड हो जाती है और ये समय चलेगा 17 जनवरी से 18 अप्रैल। अब इस लग्न का धनेश शनि वो भी 8 जनवरी से 8 फरवरी में अस्त है तो हम 8 जनवरी से ही मान लेते हैं कि अप्रैल तक का समय जनवरी से अप्रैल तक खराब है। परंतु धन का जो ग्रह शनि है थोड़ा ठीक है पूरे वर्ष में, तो धन लग्न के लिए ग्रह स्थिति औरों के तुलना में थोड़ी सी अच्छी रहेगी। और लग्नों के पूरे वर्ष में व्यापार, नौकरी, संपत्ति, इसमें टर्नओवर, ग्रोथ, प्रॉफिट के ग्रह शुभ होने पर धन स्थिति पूरे वर्ष उत्तम रहेगी। 1 जनवरी से 8 अप्रैल तथा 15 सितंबर से 20 नवंबर में शनि साथ में नीच गुरु की युति के चलते रिश्वत लेने देने से और कानूनी क्षेत्रों में सावधानी रखनी होगी। बैंकिंग और प्रबंधन के सिद्धांतों यानी मैनेजमेंट और बैंकिंग के प्रिंसिपल्स, नियम, रूल्स और कानूनों का ध्यान से पालन करना आवश्यक होगा। ब्याज, शेयर मार्केट सट्टे में भी विशेष करके पेट्रो केमिकल, एग्रो और मीडिया और फैशन, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी के शेयर्स में इसी समय में सावधानी रखनी होगी। प्रॉपर्टीज़ के क्षेत्र में, होटल में, गोल्ड में, लोहा, सीमेंट,
कंप्यूटर्स, आईटी, सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर और एग्रो, कागज कपड़ा के शेयरों में 6 अप्रैल से 15 सितंबर और 20 नवंबर से 31 दिसंबर में ज़्यादा लाभ होगा। 21 फरवरी से 13 अप्रैल, 20 जुलाई से 5 सितंबर, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर में रुके धन की प्राप्ति, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और ये प्राप्ति काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। 2 जून से 20 जुलाई, 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर, इससे कई प्रकार की हानि जैसे चोरी से, अग्नि से, धोखा लगने से, चेक चोरी हो गए, एफडी चोरी हो गई, इस प्रकार से कर्जे से, खर्चे से, दुर्घटना से ये हानि योग बने पड़ेंगे। 26 मई, 10 जून, 19 नवंबर और 4 दिसंबर के ग्रहणों के जो 4 दिन पहले और बाद का जो समय है, शेयर मार्केट खर्चे, कर्जे, दुर्घटना इत्यादि हेतु अत्यधिक सावधानी रखने का होगा। 5 जनवरी से 1 अप्रैल, 30 अप्रैल से 24 जुलाई और 8 अगस्त से 20 नवंबर में हाई टर्नओवर और हाई प्रॉफिट के चलते तीव्र धन प्राप्ति के योग होंगे। 5 जनवरी से 1 अप्रैल, 30 अप्रैल से 24 जुलाई और 8 अगस्त से 20 नवंबर में हाई टर्नओवर, हाई प्रॉफिट के चलते तीव्र धन प्राप्ति के योग होंगे। कुछ समय खराब भी है, जैसे कि जब तारा डूब रहा है 17 जनवरी से लेकर और अप्रैल के बीच में, और जैसे ग्रहण इत्यादि, तो कुछ उपाय अत्यधिक आवश्यक होंगे, जैसे पीला पुखराज पन्ना और 2.5 से 3 रत्ती का नीलम, ये पूरे धन टर्नओवर लाभ के लिए उत्तम रहेंगे। नीलम सिर्फ 2.5-3 रत्ती का, पीले पुखराज और पन्ने के साथ योनी बना के डालें। प्रॉपर्टी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ज्वेलरी, मीडिया, टीवी और बॉलीवुड जैसा क्षेत्र हो, एडवर्टाइजिंग, कार्स, व्हीकल के व्यापार में पीला पुखराज पन्ना और डायमंड, डायमंड के स्थान पर सफ़ेद पुखराज, डायमंड महंगा तो सफ़ेद पुखराज, तथा शनि व शुक्र के मंत्र, शनि के मंत्र जैसे ओम प्राम प्री प्रोसा शनि नमा, बुध के ओम प्राम प्री प्रोसा बुधाय नमा, शुक्र के ओम द्रा द्री द्रोसा शुक्राय नमा, तथा इनके दान, दान क्या है, शनि के काले उर्द, सरसों का तेल, नमक, बुध के मिश्री और साबुत मूंग, शुक्र के चावल, चीनी और रेशम, सफ़ेद रेशम, इनके दान शुभ रहेंगे। कोयला, संपत्ति, टैक्स, इंश्योरेंस हेतु, यदि आपका ये क्षेत्र है, कोल, संपत्ति, टैक्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग इत्यादि, मैनेजमेंट इत्यादि, पीला पुखराज पन्ना और मूंगा ये धारण करना शुभ रहेगा। यदि सरकारी नौकरी है, पीएसयू में, बैंकों से है, तो लाभ बड़े धन ज़्यादा है, इनके हेतु आप पीला पुखराज, इनके तो पीला पुखराज, रूबी और पन्ना, माणिक और पन्ना ये धारण करें। विष्णु शास्त्र नाम किसी विद्वान ब्राह्मण से 351 करा लें 2021 के लिए, शुरू में ही करा लें, परंतु जीवन भर यदि खुद भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, रोज का एक विष्णु शास्त्र नाम। शुक्र के मंत्रदान, शनि के मंत्रदान, मैंने शुक्र और शनि के मंत्र आपको बता दिए, दान आपको बता दिए। सरसों के दीपक, सरसों के तेल के दीपक पीपल पर हर शनिवार या मंगलवार को चढ़ाना, मंगलवार के व्रत करना शुभ रहेगा। फिश और मटन और ड्रिंक वर्ष में ग्रह स्थिति उत्तम है, उनकी शुभता कम हो जाएगी सब करने से। काली गाय को गुड़ की रोटी देना भी उत्तम रहेगा। वर्ष आपका शुभ रहे 2021। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।